महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मटर 110 रुपए, मेथी 80, आलू 50 रुपए किलो तक बिकने लगे। फलों में अनार 700 रुपए, सेब 350 रुपए और अमरूद 100 रुपए किलो। बढ़ती महंगाई पर आवाम फट पड़े। कहते हैं किसी हुक्मरान को आवाम का एहसास नहीं, सब अपनी कुर्सी बचाने का सोचते हैं। हर बंदा मजबूर है, घरों से इतने खर्चे हैं। पहले 200-250 में ये सब्जी वगैरह आ जाती थी, घी वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती, लेकिन इस दफ़ा नहीं। जिस तरह ठंड जा रही है, एक गरीब आदमी के बच्चे ठंड लग जाती है ना, तो मेरी जान दवाई मेडिसिन लै ही नहीं सकता। वो किस तरह नहीं लै सकता, 500 रुपया तो उनकी दिहाड़ी है। बच्चे जलील हो रहे हैं, आटा कोनी, दाने कोनी, चीनी कोनी, 500-400 रुपया मजदूरी कमाने, गरीब आवाम जलील कर रहे हैं। गरीब आदमी के पास फिस्ता जाना जा रहा है, इसके बारे में कुछ हुकूमत को सोचना चाहिए। मुर्गी की परवाज थम ना सकी। ब्रायलर 2 रुपए मजीद महंगा होकर 572 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडों की कीमत में भी 3 रुपए इजाफा। फी दर्जन अंडे 280 रुपए, फार्मी अंडों की पेटी 8,280 रुपए की हो गई। महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ बुलंदतरीन सतह पर जा पहुंची। अगर किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गए तो इंतजार कौन रोकेगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, अवाम महंगाई और गुर्बत के बोझ तले दब रहे हैं। हुक्मरान टोले के बच्चे अदालतों से बरी हो रहे हैं। अवाम मुल्क के साथ इस जुल्म को नहीं भूलेगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के डेलीगेशन से मुलाकात में गलतफहमियां दूर हो गई। MWM के तमाम मसाइल हल करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट, लिखा वफद ने हकीकी आजादी की जिद्दोजहद में हिमायत की यकीन दहानी कराई। कल कुछ लोगों ने मेरे दोस्त को लाहौर से उठा लिया। काफली के रहनुमा मोनिस इलाही का इल्जाम। अपने ट्वीट में लिखा FIA वाले कस्में खाते रहे, हमने नहीं उठाया। कुछ दिन के बाद उन्हें FIA पहुंचा दिया जाएगा और मजबूर किया जाएगा, पर्चा दो। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज FIA की खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसी कर दी। अदालत का FIA के तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस में अहम पेशरफ। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस में नया प्रोसिक्यूटर तब्दील। वारिस अली जुंजवा नैब के नए प्रोसिक्यूटर तैनात। इससे कबल नैब प्रोसिक्यूटर असदुल्ला मलिक केस में पेश हो रहे थे।